तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो में। सो गाइस, जहाँ पर आप मेरे हाथ में ये दो प्रोसेसर देख रहे हैं, इसमें से एक i5 3rd जनरेशन का है, कोर टू क्वाड, जो कि कोर टू ड्यू से थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर होता है। तो आज मैं इनके बीच का कंपैरिजन करूँगा और आपको इसका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताऊँगा। और अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा उसकी बात करेंगे। ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुखा, जहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कोर टू क्वाड की, जो कि एक इंटेल का मदरबोर्ड के जो G41 मदरबोर्ड होता है उसमें लगता है। अगर आपके जो मदरबोर्ड में कोर टू ड्यू प्रोसेसर है या फिर ओल्ड जनरेशन का पेंटियम प्रोसेसर है, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उसको i3 i5 में अपग्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको इस प्रोसेसर के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है क्योंकि इस प्रोसेसर में आपको जो 4 कोर होती है, जैसे कि उसमें डुअल कोर होती है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, इसमें आपको 4 कोर मिलेगी, उसमें आपको 2 कोर मिलेगी। और ऑब्वियसली फिर यही हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस उस कोर टू ड्यू से काफ़ी बढ़िया होगी, इसलिए ये प्रोसेसर आपको रिकमेंड करूँगा। क्योंकि कोर टू ड्यू जो प्रोसेसर होते हैं, जो G41 मदरबोर्ड है, उसके लिए यही बना है। लेकिन जहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट ये बताऊँगा कि कभी कभार होता है कि आप मार्केट से जो रैम परचेज कराते हैं, तो उसमें जो रैम होती है जब आप अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करती। अगर सपोर्ट भी कर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, मतलब कि जो मदरबोर्ड उस फ्रीक्वेंसी के लिए बना है, जो प्रोसेसर उस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, वो रैम उसी फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करेगी, चाहे आपकी रैम कोई भी फ्रीक्वेंसी की हो, जैसे कि 6000 या फिर 2400 MHz की कोई भी फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क करेगी। लेकिन वर्क आपको उस रैम का सिर्फ इसकी रिकमेंड फ्रीक्वेंसी पर ही मिलेगा। तो जैसे कि जहाँ पर अगर आपको बता दूँ, ये देखिए मैं कैमरे का जहाँ पर फोकस नहीं बना रहा हूँ, ये देखिए जहाँ जो 1060 जहाँ पर लिखा है, 1066 MHz इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, क्योंकि आप इस प्रोसेसर के साथ 1066 MHz की रैम का ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उससे लगाएंगे तो आपका जो पीसी तो वर्क करेगा, लेकिन उसके जो रैम की फ्रिक्वेंसी है वो आपको 1066 पर ही मिलेगी। तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोर से ड्यू से आपको इसकी 2 कोर एक्स्ट्रा मिल जाती है और इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग ही कर सकते हैं। हैवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं बना है और काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर। इसमें आपको ऑफिस वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इस, जो कि आज की जनरेशन में काफ़ी यूज होता है, ये जो प्रोसेसर है। तो गाइस, ये प्रोसेसर है असल में i5, जो कि इंटेल 3rd जनरेशन प्रोसेसर है, और इसका नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर i5 3570K लिखा गया है। तो इसमें भी आपको इसका प्लस पॉइंट बताऊंगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3.4 GHz है। तो ये जो प्रोसेसर है गेम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगर आप इसके साथ अच्छी रैम का यूज़ करेंगे या फिर आप इसके साथ अच्छा ग्राफिक का यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेसर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको परचेज करेंगे आज के समय में तो आपको जो है गेमिंग में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी और आप इसको काफ़ी हाई एंड गेमिंग लगभग रन करा सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग पर आप करा सकते हैं, FPS आपको काफ़ी अच्छे देगा। तो उसमें इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे या फिर आप इसके साथ अच्छी रैम का यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप इसके साथ जो रैम होती है वो कोई भी फ्रिक्वेंसी की
में रन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करता है। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वही आपको वही फ्रीक्वेंसी पर ही फिर इसकी रिकमेंड जो कि हाई जो फ्रीक्वेंसी है उसी पर ही इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये जो प्रोसेसर है जो रैम की फ्रीक्वेंसी है होती है 1066 1333 मेगाहर्ट्ज और 1600 मेगाहर्ट्ज पर आप इसकी परफॉर्मेंस का मज़ा उठा सकते हैं। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, तो हाई एंड पीसी के लिए ये नहीं बना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ वीडियो एडिटिंग करें तो हो सकती है, लेकिन लो लेवल की जैसे कि फिल्मोरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड जरूर लगाना चाहिए, वैसे भी जी काफ़ी वर्क करेगा। तो जहाँ पर ये i5 3570 का क्या मतलब है, इसके साथ जो के लगा हुआ उसका भी कुछ खास पर्पस है, मतलब कि ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग के लिए यूज़ किया गया है, मतलब कि ये इस अनलॉक किया गया है ओवरक्लॉकिंग के लिए। आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और मतलब कि इसकी जो ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जहाँ पर लिखी गई है 3.4 गीगाहर्ट्ज, चाहे तो आप 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी आपको दमदार परफॉर्मेंस देगा। तो यही था इस प्रोसेसर और इस प्रोसेसर में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।